व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू द जॉयस्टिक। ये न्यू वीडियो एंशिएंट सीक्रेट मोड के बारे में है। ये मोड न्यू बीटा वर्जन में आने वाला है 19.0। इस बीटा वर्जन पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने न्यू मैप के बारे में बात करी थी। ये वीडियो मतलब ये इवेंट और वो मैप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन दोनों को लेकर कन्फ्यूज मत होना। वो एक नया मैप है टोटली, और ये एक स्मॉल इवेंट है जो मीरामार में आने वाला है, जिसके अभी करेंटली जंगल इवेंट चल रहा है शनॉक में, उसी टाइप से ये एक मीरामार में इवेंट है। कुछ टाइम के बाद हट जाएगा, मतलब ये हमेशा नहीं रहने वाला है, कुछ टाइम के लिए रहेगा। ये इवेंट थोड़ा सा इजिप्शियन स्टाइल है, थोड़ी सी इसमें फैरो वगैरह। फैरो बता दूं मैं आपको, फैरो इज लाइक अ किंग ऑफ इजिप्ट। सो अपन ज़्यादा हिस्ट्री में घुसते नहीं हैं और बात करते हैं इस मोड में क्या क्या है। वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, मैं पूरा मोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो सबसे पहले अपन देखते हैं, इसमें तीन टेम्पल या पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं मैप पे, गोल्डन कलर के ट्राइंगल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये तीन ही हैं आपको पूरे मैप में, पूरे मोड में जो कुछ भी नया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। तो अपन यहीं पर उतरते हैं। इस मोड में बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लैंड करके यहाँ पे दो बंदे उतरने वाले हैं, मैं उन दोनों को फिनिश करता हूँ, फिर अपन बात करेंगे इस मोड में क्या क्या। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लूट काफ़ी अच्छी मिल रही है मेरे को। मैं उतरा ही, मुझे लेवल 2 का हेड वेस्ट पूरा गेयर मिल गया और वेपन भी मिल गया है, बैरल और स्पैरल। सो यहाँ पर लूट काफ़ी अच्छी होने वाली है, आपको एक दो स्क्वाड की लूट मिल जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर लिटरली एक हॉटस्पॉट होने वाला है, यहाँ पर तीनों टेम्पल पर बहुत सारी स्क्वाड आने वाली है, क्योंकि पूरा इवेंट इन टेम्पल्स के ऊपर ही तो है। लेफ्ट साइड में टॉप में आप देख सकते हो मैप के नीचे कि वहाँ पर एक काउंटडाउन चल रहा है, 10 सेकंड काउंटडाउन। वो काउंटडाउन जैसे ही ख़त्म होगा ये पिरामिड उड़ने वाला है, और बिलीव में ये हॉट एयर बलून जितना ये नहीं उड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट तक जाने वाला है। और अगर आपके पास स्नाइपर वगैरह रहेगी तो आप यहाँ से अच्छे से स्नाइपिंग कर सकते हो। मतलब मीरामार में जितने भी बड़े बड़े पहाड़ है उनसे बहुत हाइट पर जाने वाला है। जो मतलब रैंक पुशिंग वगैरह जो भी करते हैं, अगर उन्होंने एक बार इस पिरामिड पे अगर स्टार्टिंग में अगर कब्जा कर लिया उड़ने से पहले, तो उनका आधा मैच पिरामिड पे ही निकल जाएगा। एक्चुअली उनका आधा मैच पिरामिड पे निकल जाएगा, क्योंकि पिरामिड से नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पिरामिड मूव भी कर रहा है। यब पिरामिड मूव करेगा, पिरामिड केवल हॉट एयर बलून जिससे ऊपर ही नहीं जाएगा, पिरामिड ऑटोमेटिकली जोन की तरफ भी खिसकता जाएगा। जैसे ही पिरामिड एक्चुअल हाइट पे पहुंच जाएगा, मतलब जिससे ऊपर वो ना जा सके, तो आपको सेकंड फ्लोर पे एक गेट ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिक गेट ओपन हो जाएगा। इस गेट में गार्जियन बैठा रहेगा, गार्जियन ऑफ फैरो, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ दैट। सो अपन उसको मारेंगे, छोटा सा इवेंट और इसको मारो लिटरली पुच्छो वाला काम है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दो कीज़ रहेंगी, आपको दोनों कीज़ को एक्टिवेट करना है, दूसरी तरफ ये एक की। तो सीन इसका कुछ ऐसा बना के रखा है स्टोरी लाइन की, ये दो कीज़ जैसे एक्टिवेट होती हैं तो फील रहती है, वो एक्टिवेट हो जाती है और आपका गार्जियन अनलॉक हो जाता है और यहाँ पर सांप आ जाते हैं जी। अब पबजी मोबाइल में एक्चुअली में सांप आ चुके हैं जिनको आपको मारना है। सो सांप का सिस्टम ये है कि आप सांप को जिस वेपन से मारोगे आप सांप आपको उसी वेपन की एमओ देगा। इसकी मैं अभी यहाँ पर स्कारल से मार रहा था तो वो मेरे को 5.56 दे रहा था, और आप शायद 15 गोली में मर जाता है और आपको ये 30 एमओ लेके जाता है। तो आपको ये एमओ लेके आप फिर उसको गार्जियन को मार सकते हो। जो आप यहाँ पर ब्लैक सर्कल्स देख रहे हो ना, ये सर्कल्स आपको रीहील करेंगे इसके गार्जियन से लड़ते टाइम। बॉस गार्जियन जो क्योंकि नाम है इसका, क्योंकि बाद में बताता है कि इसका नाम गार्जियन है। सो लेट्स सी, देखिए मैं अभी इसके ऊपर चढ़ा तो मेरी हेल्थ बार फिर से मैक्स हो गई, मेरे को थोड़ा सा डैमेज लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो हील करता है, क्योंकि इट्स सो स्टूपिड एंड सो ईजी। मतलब मेरे को इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि काफ़ी ईजी था, लाइक इट्स सो स्टूपिड कि मैं उसे एक टाइम पे पंचेस से मारा हूँ, देखो आप, और मेरे को डैमेज कितना सा मिल रहा है, और मैं हिल मैक्स हो गया एक सेकेंड। इट्स सो ईजी ना, और आई डोंट नो इट्स अ बग और नॉट, बट एक्चुअल में आपको इस फेरो को मारने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम के बाद ये गार्जियन अपने आप ही मर जाएगा। देखना मैं एक अभी वीडियो में आगे मैं यहाँ पोज दूंगा, लाइक लिटरली आई एम गिविंग अ पोज, और वो गार्जियन मेरे को मार भी नहीं रहा है। सेकंड पोज दूंगा, अभी मैं उस पर शूट नहीं कर रहा हूँ, देख सकते हो आप, मैं उस पर गार्जियन पे शूट नहीं कर रहा हूँ, गार्जियन पे शूट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ये सेकंड पोज दूंगा एंड लाइक इट्स डेड। व्हाई, हाउ इट्स डेड, आई डोंट नो। सो मैंने आपको दिखाया नहीं था कि कितनी हाइट तक आपका पिरामिड उड़ रहा है, तो लाइक अब आप देखो कि कितनी हाइट पे उड़ रहा है ये। मतलब मीरामार के सारे पहाड़ों में से कोई भी तब ऊंचा कोई पहाड़ नहीं है जितनी हाइट पे भी अपन उड़ रहे हैं, सारे पहाड़ बिल्कुल बौने लगते हैं इसके सामने जितनी हाइट पे अपन है। और लाइक वाओ, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मैं वो बिल्डिंग के छत पे यहीं से स्नाइप कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ढंग की स्नाइपर होगी या ढंग का स्कोप होगा तो।
तो अपन टेंपल के अंदर ही और बात कर लेते हैं। टेंपल में चार टाइप के और गेम्स हैं, एक्स्ट्रा गेम्स। जैसे कि पहला गेम जहाँ पे मैं स्टैचू के पास बैठा हूँ, स्टैचू के पास जाके मैंने एक्टिवेट करा तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको, रेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। और जैसे आप वो क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देते हो तो राइट में पड़ी हुई पेटी अनलॉक हो जाती है, क्रेट अनलॉक हो जाती है और आप उसके अंदर का लूट ले सकते हो। ऐसा ही सेकंड गेम दूसरे कोने में है, मतलब चारों कोने में एक एक गेम है, ऐसा सीन है इसका। तो नीचे आपको एक हिंट दिया हुआ है जिसमें आपको एक बदक, एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक स्नेक दी हुई है, तो आपको इसी ऑर्डर में इन चारों को अनलॉक करना है। छोटा सा इजी सा स्टूपिड सा गेम है, आपको वही खेलना है। तो इसके मैंने करा, मेरे को फेरो ने कर्ज दिया एंड ये क्रेट खुल गई। आई डोंट नो ये कर्ज का सीन क्या है, बस कहने को कर्ज है, कोई स्पेशल पावर नहीं है इसके पास, बस कर्ज है। ये तीसरा गेम है, आई रियली डोंट नो कि इस गेम में करना क्या। मैंने बहुत कोशिश करी इस गेम को खेलने की, सॉल्व करने की। कंसेप्ट इस गेम का ये है कि आपको ये बटन्स दबानी है और सारे फेसेस ब्लू करना है। अगर किसी को सीरियसली पता है ये गेम कैसे खेलते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाइक हाउ टू प्ले इट। फोर्थ एंड द लास्ट गेम, ये गेम भी काफ़ी ईजी है, इसकी हिंट आपको नीचे दी हुई है। जहाँ जहाँ गोल्डन गोल्डन है वो आपको बता रहा है कि किस तरफ आपको उसको टर्न करना है, बीटर का फेस टर्न करना है। जैसे कि बदक का राइट साइज साइड उसकी जो नोज़ है वो गोल्डन है, तो मैंने उसको बीटर को टर्न करा, फिर बदक की लेफ्ट साइड नोज गोल्डन थी, फिर मैंने उसको वहाँ टर्न करा, फिर जो थर्ड वाला था उसमें कैट की टेल अप साइड गोल्डन थी, तो मैंने उसका बीटर का फेस अप करा और मेरे को पैरों ने कर्ज दे दिया और फिर से मेरे को क्रेट खुल गई। अब आप सोचेंगे कि यह पिरामिड से नीचे कैसे उतरे, तो पिरामिड से नीचे उतरना काफ़ी इजी है। आप सिंपली जंप कर दीजिए और आपका पैराशूट खुल जाएगा और आप सेफली लैंड कर जाएंगे। अगर आप मतलब सोचें कि मेरा क्या है, मैं तो पिरामिड पे बैठा रहूँगा, चिकन निकल जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। पिरामिड कुछ टाइम के बाद अपने आप गायब हो जाएगा और आप अपने आप पैराशूट खोल के आप नीचे आ जाएंगे, पिरामिड पूरा के पूरा ही गायब हो जाएगा। तो जब अपन ने वीडियो स्टार्ट करी थी तो अपन ने मैप पे पिरामिड्स देखे थे, तीन बड़े बड़े, और अपन ने साथ में देखा था कि वहाँ पर कुछ आई लेटर जैसा कुछ मैप पे लिखा हुआ आ रहा था। वो ऐसे ही इवेंट एंड सिमिलर इवेंट्स है, गेम्स हैं जो मैप पे है, ग्राउंड पे है, वो नहीं उड़ेंगे, वो ग्राउंड पे ही रहेंगे। छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स है, जैसे कि मैं एक पे जाके अभी आपको बता रहा हूँ, उधर कुछ नहीं है। जैसे अपने चार गेम्स खेले, चार में से एक गेम वहाँ रहेगा और वहाँ पर एक क्रेट भी रहेगी। आपको गेम खेलना है, गेम को सॉल्व करना है, चारों में से कोई सा भी गेम हो सक्ता है, वो रैंडमली रहेगा, और आपको क्रेट खोलनी है और वो क्रेट को लूटना है। दैट्स इट, दैट्स ऑल, मतलब बस इतना ही है इसमें। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।